नरेंद्र मोदी भी इसी स्टेडियम में आए थे। तो जब वो आए थे ना, तो जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी है, जो पुलिस में है यहाँ सब, उन सब का ड्यूटी चेंज करा दिए थे। हमें बहुत जोक चल रहा था, बहुत मज़ा सब लोग ले रहे थे। तो भाई देखो, हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर का अपना सिक्योरिटी रीजन रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे दोस्तों। तो आज बहरीन का मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, जब से रमज़ान लगा है तब से बहरीन काफ़ी चेंज हो चुका है। और रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ईसा टाउन के फुटबॉल स्टेडियम में, जो कि ये फुटबॉल स्टेडियम है। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर और कैफ़े और सारा शॉपिंग मॉल अंदर है। तो इसके अंदर पूरा मॉल जैसा ही बनाया है अंदर से। और अभी तो रमज़ान चल रहा है तो सब कुछ बंद है, अभी कुछ खुला नहीं है। होटल्स वोटल इसमें ज़्यादा हैं तो अभी वो खुला नहीं है। और ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये स्टेडियम जो है, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है बहरीन का। और इसमें बराबर मैच होता रहता है, इंडिया से इंडिया का भी मैच यहाँ पे हुआ है, और एक दूसरा खलीफा स्टेडियम है वहाँ पे भी इंडिया का मैच हुआ है। तो यहाँ पे मैच बराबर होता रहता है, ईरान का, कतर का, कुवैत का, सऊदी का, दुबई का, लिबनान का, हर एक देश का यहाँ पे मैच होता रहता है। तो अभी तो शायद रमज़ान में उतना मैच नहीं रहता है, क्योंकि रमज़ान के टाइम में सब रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब मैच होता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ पे अगर मैच हो रहा है ना, तो ये पूरी देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, इतनी बड़ी पार्किंग सिर्फ आपको इस साइड का दिख रहा है, और ये पूरा फुल हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता। और ये काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम बनाया है, काफ़ी बहुत खूबसूरत लगता है। और पार्किंग तो पूछो मत, हम यहाँ तो हज़ारों गाड़ी से ऊपर पार्क हो सकती है, इतनी बड़ी पार्किंग है। अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा पार्किंग, ये है पूरा स्टेडियम, ये है, ये ईसा टाउन का स्टेडियम है, और ये है मेन स्टेडियम देखो। और स्टेडियम के पीछे साइड में भी पूरा पार्किंग है, और इस साइड में भी पूरा पार्किंग है, पूरा आपको पार्किंग मिलेगा। उधर मस्जिद मिलेगी, उधर फिर वो, इधर भी आपको होटल मिलेगा, यहाँ पे भी मार्केट बनाई हुई है, और ये इस साइड में आपको मस्जिद मिल जाएगी। मस्जिद तो यहाँ कंपलसरी है, मिलता ही मिलता है, टावर भी है, लेकिन जब यहाँ पे क्राउड होता है ना, भीड़ होती है, तो फिर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। और ये इतना बड़ा स्टेडियम है, और ये सामने इसके जस्ट सामने बहरीन का रिफा का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है ईसा टाउन का, मरूर का। और ये लाइटें हैं स्टेडियम की, लाइट देखो कितनी हाई भी होती है, ये देखो ये एक लाइट में कितनी लाइटें लगी हुई है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम। तो अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम है, तो इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। और हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, और हम पैदल ही वीडियो बना रहे हैं। तो आज सोचे कि ठंडा मौसम है, तो आज निकल के वीडियो बनाते हैं, और निकल आए हैं बाहर। अभी थोड़े टाइम के बाद स्कूल भी जाना है, लेकिन सोचे तब तक थोड़ा सा वीडियो बनाए, अभी काफ़ी टाइम बाकी है स्कूल में। और ये अंदर से थोड़ा सा खुला दिख रहा है ये वाला गेट स्टेडियम का। और एक चीज़ और है, इसी में नरेंद्र मोदी भी इसी स्टेडियम में आए थे। तो जब वो आए थे ना, तो जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी है, जो पुलिस में है यहाँ सब, उन सब का ड्यूटी चेंज करा दिए थे। वो बोले थे पाकिस्तानी नहीं चाहिए ड्यूटी में, तो वो सबका ड्यूटी चेंज हो गया था इस स्टेडियम में, इसी स्टेडियम में ड्यूटी चेंज करा दिए थे जब उनका भाषण हुआ था। जो तो इंडिया का जो बड़ा नेता आता है तो इसी स्टेडियम में आते हैं। तो बहुत उस समय बहुत जोक चल रहा था, बहुत मज़ा सब लोग ले रहे थे। तो भाई देखो, हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर का अपना सिक्योरिटी रीजन रहता है, तो वो डिमांड कर सकते हैं हमें कहाँ किस देश का सिक्योरिटी चाहिए, किस देश का नहीं चाहिए, तो वो अपना पर्सनल मैटर है, हम लोग उसमें क्या कहें।
तो इस स्टेडियम में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पहले आके जा चुके हैं, तो वो टाइम टाइम से आते रहते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है, बहरीन का बहुत खूबसूरत मौसम लग रहा है आज बहरीन का। या आपको जितना भी यहाँ से लेके वहाँ तक आपको पार्किंग ही दिखेगा, इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ की है। अभी इस साइड में भी अंदर जाएंगे उधर, वहाँ भी पूरा पार्किंग है, और स्टेडियम के पीछे जाएंगे तो पूरा पार्किंग है, और फिर हम अगर ये इसके पीछे जाएंगे तो इधर भी पूरा पार्किंग है। तो ये स्टेडियम बहुत बड़ा है, ईसा टाउन का ये बहरीन का सबसे बड़ा स्टेडियम है। काफ़ी पार्किंग है इसमें और कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है। अभी देखो एक गाड़ी खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है, कुछ प्रोग्राम होगा रात में जो कि कुछ उतार रहे हैं। और अभी यहाँ पे हर छोटा छोटा प्रोग्राम होता रहता है, हर नाइट में होता है, डे में भी होता है, लेकिन अभी रमज़ान चल रहा है तो उतना नहीं तो यहाँ पे हमेशा क्राउड ही रहता है। थोड़ा थोड़ा आदमी नज़र ही आते हैं, कुछ ना कुछ आदमी नज़र आते हैं यहाँ पे। तो ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, रमज़ान करें।